हेलो फ्रेंड्स, सिविल इंजीनियर के फील्ड ज्ञान में आज आपका स्वागत है। आज मैं आपको प्रिंसिपल और सुपरपोजिशन के निम्न रिकर्स करूंगा। तो अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकॉन है उसको प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का एक न्यूमेरिकल और करते हैं अपन। ए स्टील बार ऑफ 600 mm स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया इज कैरिंग लोड ऑफ एस ऑन इन फिगर। डिटरमाइन द एलोंगेशन ऑफ बार, टेक ई ऑफ द स्टील इज एस 200 जीपी। देखिए, अब सबसे पहले तो इसके अंदर क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, आपको ए दिया हुआ है और ई की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, ये कॉमन हो गई ए और ई। अब अपनों को क्या निकालना है, लोड एंड और लेंथ दी भी आपके सबके अलग अलग सेक्शन है इसलिए अलग अलग लेंथ होगी। तो इसके अंदर क्या होगा, तीन फ्री बॉडी डायग्राम बनेंगे ए बी बी सी और सी डी के। ठीक है, अब आपको ये ध्यान होना चाहिए ए पे लोड कितना लग रहा है 90 किलोन्यूटन का। तो आप ये ध्यान रखिए पी वन आपको ऑटोमेटिक 90 किलोन्यूटन आएगा ही आएगा, और डी पे लोड कितना लग रहा है 40 किलोन्यूटन का, तो पी थ्री आपके 40 किलोन्यूटन आएगा। अब अपने को वैल्यू निकालनी पी टू की, और एक बार इनको P1 और P3 की वैल्यू क्या आ रही है वो क्रॉस चेक भी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम अपन चलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम ए बी बी सी एंड सी डी का। तो सबसे पहले ए बी वाले सेक्शन पे चलते हैं अपन। ए बी सेक्शन में देखिए, ए बी सेक्शन है, इसमें इसके अंदर क्या लोड लग रहा है, 90 किलोमीटर का लोड लग रहा है, 90 किलोमीटर का लोड इधर लग रहा है। तो इसको इक्विलिब्रियम पोजिशन में रखने के लिए क्या होगा, यहाँ पे 90, क्योंकि ये बॉडी देखिए इक्विलिब्रियम पोजिशन का मतलब क्या हो रहा है, बॉडी स्थिर है, कहीं मूव नहीं कर रही, मूवमेंट नहीं हो रहा बॉडी में। तो मूवमेंट अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जो इधर लोड लग रहा है उतना लोड उधर अपोजिट साइड में लग रहा है, तब वो बॉडी को स्थिर रख रही है, मूवमेंट नहीं कर रही है। तो ये अपन मान के चल रहे हैं कि ये बॉडी जो है इक्विलिब्रियम पोजिशन में है। तो यहाँ पे 90 किलोन्यूटन का लोड लगेगा, तो इधर भी इसको इक्विलिब्रियम करने के लिए 90 किलोन्यूटन का लोड अपोजिट साइड में लगेगा। ये 90 किलोन्यूटन हो गया, इसकी लेंथ दी हुई है 750 mm। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या हो गया, लोड क्या आ गया, P1 कितना आ गया 90 किलोन्यूटन और L1 कितना आ गया 750 mm। अब सेकंड सेक्शन लेते हैं अपन, जिससे मैं ये आ गया अपना BC सेक्शन। BC सेक्शन देखिए, ये भी और ये भी B सरफेस है इसकी। तो यहाँ पे 90 किलोन्यूटन का डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में लोड लग रहा है इस जगह पे, तो इस सेक्शन को इक्विलिब्रियम करने के लिए 90 किलोन्यूटन का भी ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे आप देखिए, ये 90 किलोमीटर का इस डायरेक्शन में लगा है, तो इस जगह पे 90 किलोमीटर का इस डायरेक्शन में ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके ये 90 किलोमीटर। लेकिन अब यहाँ पे देखा आप क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस सेक्शन पे 20 किलोमीटर का और लोड लग रहा है, वो किस डायरेक्शन लग रहा है, इस दिशा में लग रहा है। तो यहाँ पे 20 किलोमीटर का लोड भी अपन इसमें अप्लाई करेंगे, 20 किलोमीटर का लोड ये ऐसे लग रहा है, इसको अपन उसमें मार्क कर दिया अपने 20 किलोमीटर। तो देखिए 90 किलोमीटर का इस डायरेक्शन में और 20 किलोमीटर का ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या करेंगे, जब भी दो ऑपोजिट डायरेक्शन के साइन चेंज हो जाएंगे, तो 90 हो गया और ये 20 ऑपोजिट डायरेक्शन, तो 90 माइनस 20 हो जाएगा, कितना हो गया 70 किलोमीटर। तो यहाँ पे इस जगह पे 70 किलोमीटर का लोड लगेगा, और इसकी लेंथ कितनी दी हुई है, लेंथ होगी आपके 1000 mm। तो इसके अंदर P2 की वैल्यू क्या आ गई 70 किलोमीटर, और L2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके, L2 की वैल्यू गिवन है 1000 mm। ये हो गए दो सेक्शन। अब चलते हैं अपन CD सेक्शन में। तो देखिए CD में देखिए, यहाँ पे C पे कितना किलोमीटर का लोड लग रहा है 70 किलोमीटर का, और इसी C सेक्शन पे इक्विलिब्रियम रखने के लिए कितना लगेगा वापस ऑपोजिट डायरेक्शन में 70 किलोमीटर का, 70 किलोमीटर का इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब देखिए सी सेक्शन पे और कौन सा लोड लग रहा है, सी सेक्शन पे 30 किलोमीटर का डायरेक्शन में इस डायरेक्शन लोड लग रहा है, तो अपन इसको भी यहां पे मार्क कर देंगे, ये हो गया आपके 30 किलोमीटर का। देखिए अब 70 किलोमीटर का इस डायरेक्शन लग रहा है और 30 किलोमीटर का ऑपोजिट डायरेक्शन लग रहा है, तो 70 माइनस 30 कितना हो गया 40 किलोमीटर,
तो 40 किलोटन इक्विलिब्रियम रखने के लिए 40 किलोटन का इस डी सेक्शन पे भी और किस डिशन ये 70 ज्यादा है तो देखिए डायरेक्शन ही आ गई, तो इक्विलिब्रियम रखने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन लगेगा, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका ये 40 किलोन्यूटन। देखिए ये 40 किलोन्यूटन लगा, अब क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन में इस जगह पे कितना दिया हुआ है आपको 40 किलोन्यूटन, मतलब ये लोड और ये लोड सेम हो गए, इसका मतलब अपने जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाया वो सही बनाया है, तो यहाँ पे 40 किलोन्यूटन क्वेश्चन में दिया हुआ है और यहाँ अपने भी 40 किलोन्यूटन आया, इसका मतलब ये मैच हो गया, तो अपने जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाया वो सही बनाया, तो यहाँ पे ये आ जाएगी वैल्यू P3 की वैल्यू, और लेंथ कितनी दी हुई है 750 mm, तो लेंथ आ गई आपकी ये आपके 750 mm। देखिए अब पहले जो गिवन है पहले वो आप नोट कर लेते हैं, देखिए ये कितना आ गया, ये दिया हुआ 600 mm square, ठीक है, ये दिया हुआ आपका 200 GPA, या इसको अपन लिख सकते हैं 200 kN/mm square, ठीक है, और P1 की और L1 की वैल्यू दी हुई, तो पहले सबसे पहले आप ये देख लो कि यूनिट सब इक्वल हो गया, पहले तो वैल्यू रख दो, P1 कितना दिया हुआ है, P1 अपन ने निकाल दिया 90 kN, ठीक है, P2 कितना हो गया 70 kN, P3 हो गया आपके 40 kN, और L1 कितना है, L1 आपके हो गया 750 mm, L2 हो गया 1000 mm, और L3 हो गया आपके 750 mm, ठीक है, ये सारी चीजें अपने पास आ गई, तो इसकी वैल्यू अपन और देख लेते हैं, सबसे पहले यूनिट देख लेते हैं, ये क्या अभी mm स्क्वायर में है, ये mm स्क्वायर में किलोन्यूटन में है, ये किलोन्यूटन में आ गया और ये mm में आ गया, तो इसमें अपने को कोई यूनिट अपने को चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो ये वैल्यू अपन सीधा इसमें फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे अपन, तो डेल्टा एल जो हो जाएगा आपका अपना 1/AE P1L1+P2L2+P3L3, अब सबकी वैल्यू अपने को पता है, इसमें अपन वैल्यू डाल देंगे, ए हो गया 600 × 200, P1 अपने 90 हो गया, 90 × 750 + 70 × 1000 + 40 × 750, P2 70 हो गया, 70 × 1000 हो जाएगा, P3 हो गया 40 × 750 हो जाएगा, और P1 हो जाएगा 90 × 750, ऐसे इसमें वैल्यू डाल दी अपने, उसके बाद अपन इसको कैलकुलेट करेंगे, तो डेल्टा एल की वैल्यू आपके आ जाएगी 1.4 mm, तो डेल्टा एल की इसमें जो है वैल्यू आ जाएगी 1.4 mm। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकॉन है उसको प्रेस कीजिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।